वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके के 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट टू लेके आए हूं, जो कि सीरीज़ 200 की सीरीज चल रही है, जिसमें फर्स्ट सीरीज मैंने करवा दिया है। यदि आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक वो देख लीजिए, फिर ये देखिए। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए ये स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, बस आप लोग इतना ही कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति ली थी? तो गया में ली थी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इतना ही आप लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो यह महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है, तभी सबसे ज्वार ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो यह मध्य प्रदेश उसका भाग नहीं है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं बहती है? यमुना नदी जो है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं बहती है। और यमुना नदी किसके किनारे है? दिल्ली के किनारे है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर बसा है, एज वेल एज पटना भी बसा है गंगा नदी के किनारे। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्थल पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, ये जो खोज की थी ये वास्को डिगामा ने की थी 1498 ईस्वी में, ये तो आप लोगों को पता होगा। स्वेज नहर के खुलने से किन दो प्रायद्वीपियों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। पृथ्वी एक घंटे में कितनी देशांतर घूमती है? तो यह 15 डिग्री घूमती है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 के बाद 60 के तरफ मूव किया जाए, जो कि अच्छा यहाँ 81 है, जो 60 क्वेश्चन है वो लास्ट में, तो पहले मैं वो करा देता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो चलिए वो दिखा देता हूँ। यहाँ से 61 के क्वेश्चन हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है एशिया, दूसरा अफ्रीका। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो है पृथ्वी का। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया था। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है। धनारच पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ UNA की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है? तो 5 स्थायी। कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था। लोहे पर जंग से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली असम के किस जिले में स्थित है? यह पातालपुरी में स्थित है असम के। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1998 के ईस्वी में। किसके शासन काल के दौरान मराठा सत्ता का सर्वोच्च शिखर और सत्ता समाप्त पर थी? बालाजी बाजीराव के। सत्यदुख समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने की थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो ये वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां की 80 से 120 तक के क्वेश्चंस होंगे।